वंस अगेन वेलकम बैक एवरीवन टू द चैनल जिसका नाम है साइको प्रोफेसर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका एसटेट, ठीक है। बिहार में आपकी ये परीक्षा पहली बार बिहार एसटेट में, उसमें आपका विषय है मनोविज्ञान, उससे संबंधित सिलेबस के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें आपके सिलेबस में दी गई है, ठीक है। खास तौर पर एसटेट के लिए जो कि होता है आपका 11th 12th के लिए, ठीक है, उसमें आपको मनोविज्ञान में जिस प्रकार से आपका पेपर होगा उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, और क्या आपके सिलेबस के अंतर्गत आता है उसको अभी हम देखते हैं, ठीक है। ये जो सिलेबस है आप इसमें जाके आयोग की वेबसाइट के ऊपर से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपके 100 मार्क्स दिए हुए हैं। सिलेबस फॉर उच्च माध्यमिक पेपर 2 एसटेट 2023, यूनिट 1 सब्जेक्ट है आपका साइकोलॉजी मनोविज्ञान। यूनिट 1 के अंदर क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले देखिए नेचर स्कोप एंड सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी के अंदर और कौन कौन सी सब फील्ड्स आती है, क्या उसका नेचर है, क्या उसका स्कोप है ना, अप्लाइड साइकोलॉजी वगैरह वो आपका है यहाँ पे। देन पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी, आपके साइकोलॉजी के मनोविज्ञान के कितने प्रकार के यहाँ पे आपके पर्सपेक्टिव हो सकते हैं उनकी आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद देखिए मेथड्स में देखिए कौन कौन सी आपके सामने इंट्रोस्पेक्शन है, जिसे हम कहते हैं अंतर निरीक्षण, ठीक है। फिर आपका ऑब्जर्वेशन है, प्रेक्षण, फिर केस स्टडी, सर्वे और एक्सपेरिमेंटल मेथड, यानी कि जो आपका रिसर्च वाला पार्ट है। देखिए आप ऑप्शन नंबर 3 में आपका जो शोध अध्ययन है उसमें कौन कौन सी मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अंतर निरीक्षण का, प्रेक्षण का, केस अध्ययन का, सर्वे का और प्रयोग का, प्रयोग विधियों का आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे पॉइंट नंबर 4 में नेचर ऑफ परसेप्शन, हमारा जो प्रत्यक्षण है उसका किस प्रकार की प्रकृति है, क्या नेचर है, मेन इंपॉर्टेंट है उसमें आपका गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ परसेप्शन और उसी के साथ साथ फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन किस प्रकार से यहाँ पे देखिए दिया है नीचे। डेप्थ परसेप्शन, गहनता को हम किस प्रकार से परसीव करते हैं, 3D इमेजेस को कैसे हम देख पाते हैं, उसी के साथ साथ मोनोक्युलर और बाइनोक्युलर क्यू, एक नेत्री और द्विनेत्री संकेत कौन कौन से आपके होते हैं वो भी आपको पढ़ना है इस यूनिट 1 के अंतर्गत। और उसी के साथ साथ देखिए अटेंशन के अंदर उसके मॉडल्स तो नहीं दिए हैं लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है, अवधान क्या होता है आपका, टाइप्स ऑफ अटेंशन है ना, डिविडेंड अटेंशन, फोकस अटेंशन, कोवर्ट ओवर्ट, जितने प्रकार के अटेंशन है वो आपको करना है, और फैक्टर्स ऑफ अटेंशन, हमारा ध्यान क्यों जाता है, वो सब बात करनी है। तो ये रहा आपका कंप्लीट यूनिट 1 में, आपको ये सारी चीजें पढ़ना होंगी इस एसटेट पेपर के लिए। अब बात करते हैं अगला है यूनिट 2 में आपका, देखिए पावलोव जी की एंट्री होगी और यहाँ से लर्निंग में मीनिंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग, कितने प्रकार की लर्निंग होती है, उसी के साथ साथ देखिए थ्योरीज ऑफ लर्निंग, अधिगम में कौन कौन सी थ्योरीज आती हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग आपकी है ना, प्राचीन अनुकूलन, फिर आपका नैमित्तिक अनुकूलन, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, प्रेक्षणात्मक अनुकूलन, इनसाइड थ्योरी कोलर की और टोलमेंस की, कॉग्निटिव संज्ञान का सिद्धांत, ठीक है, काफी ईजी है यहाँ पे। थर्ड देखिए मेमोरी में उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, स्मृति के टाइप क्या क्या है, नेचर किस प्रकार से है, टाइप्स क्या है उसके, सेंसरी मेमोरी क्या होती है, संवेदी स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी और दीर्घकालिक स्मृति क्या क्या होती है। अगला देखिए मॉडल्स ऑफ मेमोरी में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल किसने दिया, लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल किसने दिया और पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल किसने दिया, ये आपको मालूम होना चाहिए और उनके बारे में डिटेल की इस मॉडल में क्या बात होती है, इस मॉडल में क्या बात होती है और इस अवस्था स्टेज मॉडल में क्या बात होती है। फिर अगला फॉरगेटिंग की बात करें, एबिंगहाउस जी की एंट्री होगी, नेचर क्या है इस फॉरगेटिंग का, फॉरगेटिंग का कर्व किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से बनता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरगेटिंग 1, 2, 3, 4 प्रकार के हैं, वो कौन कौन से हैं वो आपको मालूम होना चाहिए, और उसी के साथ साथ थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग में किसने कौन कौन सी थ्योरी बताई है फॉरगेटिंग की या बताई भी नहीं है, तो वो सब आपको देखना है यूनिट 2 के अंदर। तो ये था आपका सिलेबस यूनिट 1 और यूनिट 2। अब चलते हैं आगे यूनिट 3 में, आपका बात करेंगे मोटिवेशन की, यानी कि अभिप्रेरणा की, ठीक है, अभिप्रेरणा किस प्रकार से, उसका नेचर क्या है, कार्य किस प्रकार से है और किस किस प्रकार के उसके कार्य हैं, टाइप्स कौन कौन से हैं, प्रकार हैं आपके मोटिवेशन के, ठीक है। वहीं से देखिए आपकी इंडस्ट्री थोड़ी सी चली आती है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में आपका थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन की बात करें तो उसमें मास्लो की थ्योरी आपको पढ़नी है, हर्ज़बर्ग की थ्योरी पढ़नी है, मैक्लेलैंड की 3 चीजें पढ़नी है, ब्रूम्स का ERC थ्योरी पढ़नी है और ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसने दी है आपको वो आपको बताना है, ठीक है, मालूम है तो कमेंट करिए, एंड अराउजल थ्योरी के बारे में आपको पढ़ना है। तो थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में जो हम सभी पढ़ते हैं यूपीएससी नेट के लिए उसी प्रकार की कुछ थ्योरीज है यहाँ पे, ठीक है, 1, 2, 3 थ्योरी यहाँ पे जो है न्यू एड हुई है। फिर बात करेंगे अगला जो है संवेग, संवेग में आपका नेचर किस प्रकार से होता है, ठीक है, प्लुटचिक ने क्या कहा है, टाइप्स कौन कौन से प्रकार के होते हैं, बॉडीली चेंजेस इन इमोशन है ना, संवेग के दौरान हमारे शरीर में किस प्रकार के चेंज होते हैं उनकी हमको बात करनी है। फिर देखिए थ्योरीज ऑफ इमोशन के अंदर जेम्स लैंग थ्योरी क्या कहती है, कैरन बार्ट का सिद्धांत क्या कहता है और शक्टर सिंगर का थ्योरी क्या कहती है, केवल 3 ही दी है, अदरवाइज आपको डार्विन वगैरह वो सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये पेपर किसका है, ये आपका बिहार एस्टेट का उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का पेपर है। अगली बात करें यूनिट नंबर 4 के बारे में, तो यूनिट नंबर 4 के अंदर आपको बोल रहे हैं कि आपने थिंकिंग पढ़ना है, मीनिंग क्या है उसका, चिंतन का क्या मीनिंग होता है, नेचर क्या है, टूल्स ऑफ थिंकिंग कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ थिंकिंग कितने प्रकार की होती है, क्या कन्वर्जेंट थिंकिंग आपको मालूम है, क्या डाइवर्जेंट थिंकिंग आपको मालूम है,
वो भी आपने जान के रखना है। अगली बात करें सेकेंड की प्रॉब्लम सॉल्विंग में, मीनिंग एंड स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, ट्रायल एंड एरर क्या होता है, एल्गोरिथमिक ह्यूरिस्टिक एंड इनसाइट क्या क्या होते हैं समस्या समाधान के दौरान, प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान, और उसी के साथ साथ बैरियर्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारे समस्या समाधान में कौन कौन से बैरियर हैं, क्या हमको नहीं आता, कौन कौन सी फिक्सनेस होती है, क्या हमारा मानसिक सेट होता है और रीजनिंग किस प्रकार की होती है। अगली बात करें क्रिएटिविटी का क्या है, नेचर क्या है, स्टेजेस कितने प्रकार की होती है, 1, 2, 3, 4, 5, या उसके कारक कौन कौन से हैं आपकी क्रिएटिविटी के अंदर, आपके सृजनात्मकता के अंदर किसने क्या बताया है, वो भी आपको ध्यान रखना होगा। अगली बात करें देखिए यहाँ पे इंटेलिजेंस दिया हुआ है, बुद्धि के बारे में बात करें, बुद्धि का नेचर किस प्रकार से है, टाइप्स कितने प्रकार की होती है, 1 प्रकार की होती है बुद्धि, 2 प्रकार की होती है, 10 प्रकार की होती है, 120 प्रकार की होती है, कौन कौन से फैक्टर्स वगैरह हैं, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या हम केवल एक टेस्ट से कर सकते हैं, क्या हम केवल ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं, वो सब आपको इसके अंदर पढ़ना होगा। अगली बात करें थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में आपकी स्पीयरमैन पढ़ना है आपको, स्पीयरमैन ने कौन सा बताया, द्विकारक सिद्धांत, थर्स्टन की मेंटल एबिलिटीज के बारे में आपको जानना है, गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस, गिलफर्ड का स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल और स्टेनबर्ग की ट्रायरार्किक थ्योरी, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, ये आपको हमेशा जीवन भर काम आएगा जब तक आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं। अगली बात करें इमोशनल इंटेलिजेंस के, गोलमैन एंड सेलोवे मेयर वह साहब आ जाएंगे इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, सांवेगिक बुद्धि क्या होती है, ठीक है। अगला देखिए यूनिट नंबर 5 के अंदर आपकी पर्सनैलिटी का मीनिंग क्या है, ठीक है, मीनिंग क्या है, उसका नेचर क्या है और डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, नेचर नर्चर की बात करेंगे। अप्रोचेस देखिए पर्सनैलिटी में टाइप और ट्रेट अप्रोच क्या है ना, शील गुण उपागम क्या है, ठीक है, ट्रेट अप्रोच क्या है, पर्सनैलिटी को हम मेजर कैसे कर सकते हैं, इसका मापन किस प्रकार से किया जा सकता है, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के अंदर किसने कौन सा सिद्धांत दिया है, फ्रॉइड ने क्या बोला है पर्सनैलिटी के बारे में, न्यू फ्रॉइडियन में आपके कौन कौन आ जाएगा है ना, वो आपको ध्यान रखना है, केटल ने क्या बोला है, एलपोर्ट ने क्या बोला है, मरे ने क्या बोला है और सोशल कॉग्निटिव थ्योरी क्या कहती है पर्सनैलिटी के बारे में, वहीं से आपको रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म वगैरह चीजें आएंगी और बिग फाइव फैक्टर थ्योरी किसने दी है क्या दी है वो सब आपको जानना है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये थी आपकी यूनिट नंबर 5, उसी के साथ साथ स्ट्रेस देखिए दिया हुआ है, मीनिंग एंड नेचर कॉजेस क्या है, उसके इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस क्या होता है और कोपिंग स्ट्रेटजीज क्या क्या है, किस प्रकार से उसको हम कोप कर सकते हैं, थ्योरीज ऑफ स्ट्रेस में कैनन की कौन सी थ्योरी है, सेले की कौन सी थ्योरी है और लेजरस ने कौन सी थ्योरी बताई है कि किस प्रकार से हम स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं या उसको बढ़ा सकते हैं। यूनिट 6 के अंदर बात करें क्या कर सकते हैं स्ट्रेस में, बढ़ाना है या कम करना है, उसकी बात करना है, कैनन की थ्योरी, सेले और लेजरस की थ्योरी यहाँ पे दी हुई है पता नहीं क्यों। अगली बात करें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, गाढ़ोबिया क्या होता है, ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं वो आपको जानना है, फिर PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या होता है, मूड डिसऑर्डर के अंदर आपके मैनिक एंड डिप्रेसिव किस प्रकार के होते हैं, क्या इनको डिफरेंस है या एक जैसे ही होते हैं बस नाम अलग है। उसी के साथ साथ अगला आपको पढ़ना है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में और आपको पढ़ना है स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में यानी कि मनोविकलता के बारे में। अगली बात करें यूनिट नंबर 7 की, यूनिट नंबर 7 में आपका MR आ जाएगा मेंटल रिटार्डेशन, फिर आपका ऑटिज्म डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर, मतलब यूनिट 7 के अंदर कंप्लीटली आपको क्या दिए हैं, कंप्लीटली आपको यहाँ पे विकार दिए हुए हैं, डिसऑर्डर्स के बारे में आपको पढ़ना है, ये क्या होते हैं इनके बारे में आप जानकारी रखें अच्छी खासी। सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, हाइपोकॉन्ड्रियासिस एंड हाइपरकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर क्या होता है वो सब भी आपने जानना है। फिर देखिए अगला यूनिट नंबर 8 में सेम आपका जैसे प्रकार से नेट में होता है उसी प्रकार से आपका डिटेल में सिलेबस है, बस इसको अलग अलग पार्ट में यहाँ पे करवाया हुआ है। यूनिट नंबर 8 के अंदर देखें न्यूरॉन क्या होता है, स्ट्रक्चर फंक्शन और टाइप क्या होती है न्यूरॉन की, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी किस प्रकार से होती है, +30 पे क्या होता है, -55 पे क्या होता है, -72 पे क्या होता है, ठीक है, +120 पे क्या होता है ये आपको जानना है। रेस्टिंग ग्रेडेड और एक्शन पोटेंशियल क्या होते हैं, ठीक है, कौन कौन से रिसेप्टर हैं, NMDA, AMPA रिसेप्टर, सिनेप्स एंड सिनेप्टिक ट्रांसमिशन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सूचना पहुंचती है, न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे आपके तंत्रिका संचारक वो भी आपको पढ़ना होगा कितने प्रकार के होते हैं, कौन से एक्साइट करते हैं, कौन से डिप्राइव करते हैं। नर्वस सिस्टम के अंदर तंत्र के अंदर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है और क्या क्या उनके कार्य होते हैं। फिर बात करें लोब्स और फंक्शन की, कितने प्रकार के लोब हैं मालूम होना चाहिए, फंक्शन क्या क्या है दिए हुए हैं यहाँ पे, फ्रंटल टेम्परल ऑसिपिटल एंड पैराइटल लोब्स आपके कहाँ कहाँ पे होता है, एक सामने होता है, एक पीछे होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, ये आपका इस यहाँ पे नाक है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए कौन कितने प्रकार के लोब्स होते हैं, कौन कौन से फंक्शन होते हैं, कौन कौन से वहाँ पे एसोसिएशन एरियाज भी होते हैं। उसी के साथ साथ एंडोक्राइन ग्लैंड्स में टाइप क्या है, फंक्शन क्या है उनके, वो आपको यहाँ दिया है। यूनिट नंबर 9 पे चलते हैं और मिनट भी हो चुके हैं 9। बात करेंगे यूनिट नंबर 9 के अंदर आपका सोशल परसेप्शन, सामाजिक प्रत्यक्षण, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, वर्बल एंड नॉन वर्बल आईज ऑफ सोशल परसेप्शन क्या होती है, इंप्रेशन फॉर्मेशन किस प्रकार से इंप्रेशन बनाते हैं, मैनेज कैसे करते हैं। सोशल कॉग्निशन के अंदर आपका देखिए सोशल लोफिंग आ जाएगा आपका, ठीक है, और सोशल फैसिलिटेशन क्या होता है, सोशल इन्फ्लुएंस के अंदर कन्फर्मिटी, कंप्लायंस एंड ओबीडियंस, ये तीनों एक्सपेरिमेंट किसने किए हैं वो आपको ध्यान रखें, आप इसके अंदर क्या क्या होता है उसको ध्यान रखें, ठीक है। सामाजिक प्रभाव के अंदर इंटरपर्सनल एक्शन अट्रैक्शन की बात करें तो मीनिंग क्या है उसका, ठीक है, फैक्टर्स क्या है इस अट्रैक्शन के लिए।
बात करें अगला, सोशल टेंशन में टाइप क्या है, कॉजेस क्या है और इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, यानी कि ये एक ग्रुप है, ये ग्रुप है, इनके बीच क्या हो रहा है, टेंशन किस कितने प्रकार का होता है, ठीक है, कॉजेस क्या क्या है टेंशन की और इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, वहीं से आपका एक्सपेरिमेंट आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए अगला यूनिट नंबर 10, ग्रुप की बात करें, ग्रुप में आपके काइंड्स ऑफ ग्रुप्स, फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ ग्रुप, एक ग्रुप का काम क्या होता है, यहाँ पे देखिए आपकी लीडरशिप आ चुकी है, लीडरशिप कितने प्रकार की होती है, नेतृत्व कितने प्रकार का होता है, उसका नेचर क्या है, टाइप क्या है और एक लीडर के नेता के फंक्शन क्या क्या होते हैं। उसी के साथ देखिए प्रेजुडिस आया आपका, डिटर्मिनेंट्स आए, रिडक्शन किस प्रकार से है, प्रेजुडिस क्यों उत्पन्न होता है, क्यों नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, एटीट्यूड की बात करनी है, नेचर कंपोनेंट्स क्या है, फॉर्मेशन एंड चेंज ऑफ एटीट्यूड, किस प्रकार से एटीट्यूड को फॉर्म कर सकते हैं और किस प्रकार से हम उसको बदलाव कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ देखिए बैलेंस थ्योरी की बात करेंगे, POX आ जाएगा आपका, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, फेस्टिंगर आ जाएगा, और एटीट्यूड चेंज कि किस प्रकार से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं एटीट्यूड को या नहीं कर सकते हैं। देखिए फिर आपको दिया है यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड में आपकी थर्स्टन और लाइकर्ट की स्केल दी हुई है, थर्स्टन ने क्या बोला है अपनी स्केल के बारे में, लाइकर्ट ने क्या बोला है, किस प्रकार से हम एटीट्यूड को मेजर कर सकते हैं, अभिवृत्ति को किस प्रकार से हम माप सकते हैं, प्रो सोशल बिहेवियर के अंदर क्या क्या उसके नेचर है, क्या डिटर्मिनेंट्स है, क्यों मदद करते हैं एडवांस में जाके, क्यों मदद नहीं करते हैं, और भी कई सारे फैक्टर्स यहाँ पे प्ले करते हैं, तो उसको भी आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। 8 नंबर पे एग्रेशन है आपका, एग्रेशन का कारण क्या है, कॉज क्या है, कंट्रोल किस प्रकार से कर सकते हैं, आक्रामकता को हम किस प्रकार से, प्रकृति क्या है, उसके कारण क्या है और किस प्रकार से उसको हम निवारण कर सकते हैं। अगला देखिए, अगली आती है आपकी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंदर है आपका औद्योगिक मनोविज्ञान, उसके अंदर इसका मतलब क्या है, क्या है इसको औद्योगिक मनोविज्ञान को हम अपने घर में अप्लाई कर सकते हैं, ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं, संगठन में इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, नेचर क्या है उसका, किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ है इसका क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल एरा के अंतर्गत। फिर देखिए अगला मोटिवेशन है, ठीक है, मोटिवेशन में मीनिंग क्या है, नेचर क्या है और थ्योरीज ऑफ वर्क मोटिवेशन जो आपने ऊपर पढ़ी और मैच करेंगे थोड़ी सी, बाकी अलग से पढ़ना होगी। लीडरशिप में देखिए मीनिंग क्या है, थ्योरीज, ट्रेड थ्योरी बतानी है, बिहेवियर थ्योरी बतानी है, ट्रांजेक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप मॉडल बताना है, टाइप्स ऑफ लीडरशिप एंड फंक्शन ऑफ लीडर, एक नेता के क्या क्या फंक्शन होते हैं, वो सब आपको इसके अंदर पढ़ना होगा, ठीक है, यूनिट नंबर 11 के अंतर्गत। अगला देखिए कम्युनिकेशन में किस प्रकार का मीनिंग, प्रोसेस, टाइप, फैक्टर एंड बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन यहाँ पे, ठीक है, कि आपके संप्रेषण के दौरान क्या अर्थ है, कितने प्रकार का होता है, क्या प्रक्रिया होती है, कौन कौन से कारक हैं और कौन कौन से इसमें बैरियर्स हैं, आप किसी की आंख में आंख देख के बात नहीं करेंगे तो सामने वाला बात कैसे करेगा, इस प्रकार की चीजें। फटीग एंड मोनोटोनी क्या है, नेचर, कॉजेज एंड मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फटीग, किस प्रकार से आप फटीग को कम कर सकते हैं और मोनोटोनी को कम कर सकते हैं, एक ही एक कार्य को करते करते आपको मोनोटोनी हो जाती है। एक्सीडेंट्स के देखिए मीनिंग, कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, यानी कि भोपाल गैस त्रासदी 1974, ठीक है, इसमें किस प्रकार से हुई चीजें हुई, सॉरी 1984, ठीक है, एक्सीडेंट प्रोनेस, किस प्रकार से हम एक्सीडेंट बच सकते हैं, अभी जैसे देखते हैं आप यहाँ पे फायर वगैरह कहीं भी लग जाता है इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। और उसी के साथ साथ जॉब सेटिस्फेक्शन में आपका मीनिंग क्या है, जॉब सेटिस्फेक्शन में फैक्टर्स क्या है और इम्पैक्ट क्या है, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच किस प्रकार से संबंध होना चाहिए, वो सारी बातें आपको उसके अंदर करनी है। अगला देखिए यूनिट नंबर 12 के अंदर आपकी क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर, नैदानिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आपका क्लिनिकल असेसमेंट किस प्रकार से होता है, कौन कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, इंटरव्यू के अंदर आप ऑब्जर्व करते हैं, केस स्टडी करते हैं, टेस्ट में देखिए आपके MMPI आपके पास है, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर है और EPQ आपके पास है, ये क्या क्या होता है वो आपको जानना है। प्रोजेक्टिव टेस्ट की बात करें, टैट है आपके पास और RIBT है, रोशाश का टेस्ट है 1921। फिर यहाँ पे देखिए अगला आपके सामने है थेरेप्टिक टेक्निक्स, साइको एनालिटिक टेक्निक कौन कौन सी है, बिहेवियर थेरेपी में क्या होता है, ग्रुप थेरेपी में क्या होता है और फैमिली थेरेपी में क्या होता है। थेरेपी यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे चिकित्सा कराएंगे, CBT दी है आपको, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, फिर आपको RET दी हुई है, रेशनल इमोटिव थेरेपी, और फिर बेक की थेरेपी आपकी, ठीक है। फिर आपके सामने है CCP यहाँ पे, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, और फिर आपका रोल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन डिफरेंट फील्ड, अलग अलग फील्ड में क्या होता है इसका रोल, मेंटल हॉस्पिटल में, चाइल्ड गाइडेंस में, स्कूल इंडस्ट्री में, अलग अलग यहाँ पे आपके नैदानिक मनोविज्ञान जो होते हैं आपके RCI वाले, उनका क्या क्या काम होता है वो यहाँ पर पूछ रहे हैं। अगला देखिए फिर यहाँ पे यूनिट नंबर 13 के अंदर आपका एजुकेशन साइकोलॉजी में मेथड्स क्या है, रेटिंग, रैंकिंग, केस स्टडी एंड इंटरव्यू, आपकी शिक्षा मनोविज्ञान की बात करेंगे। मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस किस प्रकार से होता है, एप्टीट्यूड एंड अचीवमेंट, लर्निंग में फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल लर्निंग किस प्रकार की होती है, रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग, वही सब चीजें, और इंसेंटिव किस प्रकार से मदद करता है लर्निंग में। एग्जामिनेशन में बात करें, एसे टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप, कौन से एग्जाम्स अच्छे होते हैं, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कौन से होते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन से होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कौन कितने टाइप के होते हैं, एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग देना है हमको, ठीक है, जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी आ चुकी है, मीनिंग्स, यूजेस एंड मेथड्स, वो सारी चीजें इसके अंदर, और आपकी इफेक्टिव टीचिंग कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है, कौन सा मॉडल इस्तेमाल करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, मेथड्स कौन कौन सी है आपके इसके अंदर। तो ये था आपका यूनिट नंबर 13 शिक्षा मनोविज्ञान, तो आप भी किसी को पढ़ाएंगे तो वहां पे आपके लिए ये चीजें पढ़ना जरूरी हो जाती है। अगली बात करेंगे यहाँ पे यूनिट नंबर 14 की, आपकी रिसर्च मेथड्स, जो आपकी यूनिट नंबर 2 है यूजीसी नेट की, रिसर्च मेथोडोलॉजी में साइंटिफिक रिसर्च, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टेप्स। फिर आपका देखिए यहाँ पे अगला है, दिया हुआ है रिसर्च प्रॉब्लम, है ना, समस्या कौन सी आती है रिसर्च के दौरान,
इसको मीनिंग सोर्सेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, वेरिएबल्स आपके जो चर हैं परिवर्तन हैं कितने प्रकार के होते हैं, मीनिंग और टाइप्स क्या है, हाइपोथेसिस कितने प्रकार का होता है, एक प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है, कितने हम बना सकते हैं कितने नहीं बना सकते हैं, मीनिंग टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं इसके अंदर वो आपको पढ़ना होगा। उसी के साथ साथ सैम्पलिंग में आपकी दो प्रकार की है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रायिकता और यहाँ पे नहीं है दूसरी वाले में, तो इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें तीन आते हैं, इसमें छह आते हैं, इसमें चार आते हैं, इसमें आठ आते हैं, वो आपको जानना है इसके अंतर्गत सैम्पलिंग के अंदर, यानी कि नमूना चयन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। किसी भी पॉपुलेशन से क्या निकालते हैं, वहाँ पे सैंपल निकालते हैं, फिर यहाँ पे आपका डेटा कलेक्शन टेक्निक, किस प्रकार से आप डेटा कलेक्ट करते हैं, इंटरव्यू के द्वारा कर सकते हैं, क्वेश्चनियर के द्वारा कर सकते हैं, टेस्ट और स्केल्स के द्वारा आप इसको मदद से इसका आप डेटा ले सकते हैं। फिर टाइप्स ऑफ रिसर्च में आपकी एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल में इनके बीच क्या डिफरेंस है, इसमें क्या कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं, नहीं होते हैं, कहाँ कंट्रोल ग्रुप होता है, कहाँ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, वो सब आपको इसके अंदर जानना होगा। बात करते हैं आखिरी यूनिट, यूनिट नंबर 15 की, फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी की कुछ फंडामेंटल मूलभूत उपागम यहाँ पे, लेवल्स ऑफ मेजरमेंट कितने प्रकार का होता है, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल और इंटरवल और रेशियो स्केल यहाँ पे, ठीक है, कि किस प्रकार से मेजर करते हैं यहाँ पे। फिर अगला देखिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आपको मीन, मीडियन एंड मोड, माध्य, मध्यांक और आपका बहुलक जो होता है, ठीक है, उसकी बात जाननी है आपको, इसको कैसे निकाला जाता है वो भी आपको ध्यान रखना है, पूछ सकते हैं। वेरिएबिलिटी में देखिए आपका क्यूडी, एसडी और एडी दिया हुआ है, एवरेज डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन और क्वार्टाइल डिविएशन, ठीक है, ये किस प्रकार से वेरी करता है, किस प्रकार से विचलन होता है यहाँ पे। कोरिलेशन की बात करें तो कोरिलेशन क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, एक ऊपर जाएगा दूसरा नीचे जाएगा। टाइप्स और कैलकुलेशन किस प्रकार से निकालते हैं, कहाँ से कहाँ तक का होता है, माइनस से प्लस होता है या प्लस से प्लस होता है, जीरो टू प्लस होता है, जीरो टू माइनस होता है, कहाँ पे इसका संबंध होता है, क्या रिलेशनशिप होती है, क्या डायरेक्शन होता है, वो सब आपको जानना है इस यूनिट नंबर 15 के कोरिलेशन टॉपिक के अंतर्गत। उसके बाद अगला आपके पास है टी टेस्ट, यहाँ पे टी परीक्षण कब इस्तेमाल करते हैं, उसका कंसेप्ट क्या है, यूज क्या है, कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगला है आपके पास एनपीसी, नॉन प्रायोरिटी कर्व, इस प्रकार से बनता है, तो इस तरफ कितने लोग हैं, इस तरफ कितने लोग हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और एप्लीकेशन किस प्रकार से उसको हम करते हैं, वो सब आपको जानना है। उसी के साथ आपको अंत में जानना है यहाँ पे ची स्क्वायर के बारे में, ये क्या है, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है, अगेन वही कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन, काय स्क्वायर का हम किस किस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी यूनिट नंबर 15, अब आगे देखते हैं यहाँ पे, तो इसी के साथ ओके यहाँ पे आपका समाप्त होता है ये साइकोलॉजी का सिलेबस आपका। तो ये था आपके सामने यूजीसी नेट नहीं, आपका बिहार स्टेट का उच्च माध्यमिक पेपर स्टेट 2023 का आपका कंप्लीट मनोविज्ञान का सिलेबस। तो इसको आप जाएं तो आप वहां से वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है इसके अंदर, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दिया है ऑलरेडी। तो अगर आप स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसको आप ध्यान रखें, ये सभी टॉपिक्स आपके सेम यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी आपको मिलते हैं, यहाँ पे सेम टॉपिक्स हैं, कुछ यहाँ पे दो चार एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं, बाकी सेम सिलेबस आप कंटिन्यू करेंगे, फॉलो करेंगे तो आपका ये वाला परीक्षा में आप इसको अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट सिलेबस मनोविज्ञान, ठीक है, बिहार एस्टेट का 2023। ऑलराइट, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड। अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और उनको कहिए, शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए इस चैनल को। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और विषय के बारे में, किसी और टॉपिक के बारे में, तब तक के लिए धन्यवाद।